जजबू सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है बाल बच्चा? ठीक ऐसी नहीं देखो माँ चला कहीं। तुम वकीलड़ी? नहीं बड़ा, तुम बहुत खूबसूरत वकीलड़ी है यार। ये तुम्हारा काला काला बाल देखो, जैसे भाई इसका गोरा गोरा गाल देखो, वो 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 इसका हिरनी जैसा चाल देखो। अब से शादी करेगा? तुम्हारे अब्बू से भी बात करते? ये मेरे अब्बू नहीं है। चलो वो तुम्हारा पीछे जो भाई खड़ा है उससे बात करता है। वो मेरे भाई भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे साथ महरम नहीं है? तो चलो फिर ठीक है, हमको महरम बना लो और फिर हमको मरहम भी लगा लेना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहब्बत खान। ये कैसा नाम है? वो दरअसल हमारा जो अम्मी अब्बू है ना, उनके दरमियान लव यानी मोहब्बत नहीं था। तो आप कहाँ से आए? हम तो गुस्से से आया था। देखो उनके दरमियान लव नहीं था तो किसी बुजुर्ग ने बोला कि दो मियां बीवी के दरमियान में मोहब्बत होना चाहिए, तो दरमियान में हम था इसलिए हमारा नाम मोहब्बत खान रख दिया यार। तुम्हारा अब्बू से बात कर? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनमें से कोई भी मेरे वालिद मोहतरम नहीं है। अच्छा, मेरे खानदान को छोड़कर आप ये बताएं कि क्या आपके पास लाइसेंस है? हाँ है ना, शादी का लाइसेंस है। हकीम साहब ने दिया, बोला कर लो। अब कर लो, बातें मत घुमाए। चलो तुम्हें घुमा लेता हूँ, चलेगा? आप जो करने करो यार, हमारा ब्रेकअप हो गया है, कोई सुलह करा दो। चलो पहले हम सॉरी करेंगे। आई एम सॉरी। चुप, ऐसे खड़े रहो, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, बिल्कुल सीधे। सीधा नहीं है। डू लाइक फनी गाइस, आपको चांस है क्या? शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। क्यों, हमने आधा कपड़ा पहना है। पठान एक गैरतमंद कौम है और आप यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं? जा बीबी, ये सब बातें कर रहे हैं, हम पठान एक गैरतमंद है इसलिए तुम्हें शादी का बोला है, वो जीएफ यानी गलत फ्रेंड का नहीं बोला। तुम बातें मत फेरो। चलो तुम्हें फेर लेगा, चले। मैं तो कह रहा हूँ। ओ मेरा बाबर आजम से ज्यादा अच्छी कवर ड्राइव तो आप खेल रही हैं यहाँ पे। हाँ मतलब तुमने हमको अंडरस्टैंड किया, आप शिव मौलवी साहब बुला लो। देखो तुम्हारा पेपड़ा मेरे मुंह पे ना लग जावे। ख्याल करो कितना गुस्सा है, देखो हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है ना राजदा। अब अगर यहाँ मौलवी साहब आए भी ना तो वो तुम्हारा जनाजा पढ़ा के जाएंगे। नहीं इधर नहीं, बाहर ग्राउंड में जगह खाली है। हर बात में चुप तो जवाब तुम्हारा पुपी देगा। मैं मजीद इस जंगली इंसान से बात नहीं कर सकती। नहीं, हम जंगली नहीं है, हमने पूरा कपड़ा पीना है ना, हम हा हू कर रहा है, हम कैसे जंगली है? मैंने आपको सवाल पूछा नहीं है तुमसे। अच्छा ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे खड़े रहो। स्टैंड पाक सरजमी क्या क्या कर रहे हो? तो क्या करूं, लिख के जो कर देते जो मैंने खेला। मैंने कहा है मैं खेलता ही नहीं है, जो करने कर। मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे तीनों उस्ताद थे इनको लाइसेंस किसने दिया? वो इनको कैद आजम ने। कैद आजम तो मरहूम है, वो कैसे लाइसेंस दे सकते हैं? देखो बीबी, आज भी पाकिस्तान का सारा फैसला लोग कैद आजम से ही करवाता है, बस फर्क ये है कि वो टेबल पर नहीं होता, कागज पर होता है। तो फिर तुम जाते कैद आजम से ही अपना फैसला लो। अच्छा ठीक है, तला लूंगा, ठीक है हमारा तला लूंगा, उनसे फैसला तलवा लूंगा। हम दुनिया का सबसे अकलमंद पठान। जज साहब वैसे दाद देनी पड़ेगी, इसने पहली कोई माकूल बात की है। मतलब तुम इंप्रेस हो गया है? एक मिनट वो दो हेलो वो राशिद खाना जो मौलवी साहब बरकत ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है? तुम इंप्रेस हो गया है ना, तो हमने कहा मौलवी साहब बुला लेने का करेगा। तुम ठीक है शाहरुख खान बनते जा रहे हो? हाँ ठीक है शाहरुख खान, अगर ठीक है शाहरुख खान बनना जुर्म है तो हाँ मैं मुजरिम। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये ज्यूरी मुलजिम अयान अली को 5 साल कैद सुनाते हैं। जज साहब आपके पास कोई गलत फाइल है? जज साहब अगर ये अयान अली वाला चक्कर है तो 2 साल हमें भी अंदर डालो। बहुत मजा आया। नीचे क्या ऐसे सजा नहीं हुआ? मैं एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा सा कर लूं। जाएगा 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 अच्छा जाएगा पागो पागो जाएगा जाएगा। अच्छा मैंने कहा तुम्हारे मुंह से किया है।